हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइट ट्यूटोरियल। मैं दमन खंडेलवाल फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके, एक नया लेक्चर लेके आपके सामने आया हूँ। उम्मीद है जिस तरह से आपने मेरी पिछली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किए थे और उसको इतना पसंद किया था, तो आप इसको भी ऐसे ही पसंद करेंगे। और जितना आपने पिछली वीडियो में हमें प्यार दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें भी इतना ही हमें प्यार देंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर। देखो, हमने आपको पहले पढ़ाया था सेल इन सीरीज, अब हम पढ़ेंगे सेल इन पैरेलल। अब सेल इन पैरेलल को पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करके आपने पढ़ा होगा कि जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करें और या फिर हम रेजिस्टेंसेस को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इस तरह से, तो जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट जो होता है वो सब में सेम जाता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो हमारा तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए अलग अलग हो जाता है। और जब हम पैरेलल के अंदर बात करते हैं तो करंट हमारा तीन पार्ट में बढ़ जाता है और हम रेजिस्टेंसेस को जो पोटेंशियल है वो हमारा सब में सेम होता है। अब जैसे हमें ये सीरीज वाला कनेक्ट हमें प्रूफ करना था, तो हम क्या करते थे, पोटेंशियल को लेके स्टार्ट करते थे कि वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। देन वहां से हम ओम्स लॉ अप्लाई करते थे और हमारे पास आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ जाता था। और यहां पर हमारे पास तीन भागों में करंट बढ़ रहा है, इसलिए हम शुरुआत करंट से करते थे। तो उसी तरह से जैसे हमने रेजिस्टेंस में पोटेंशियल तीन भागों में बढ़ रहा था तो पोटेंशियल से शुरुआत करी, और इधर पैरेलल में करंट तीन भागों में बढ़ रहा था तो करंट से शुरुआत करी। बिल्कुल उसी तरह से जब हमने सेल इन सीरीज पढ़ा था तब वहां पर हमारा पोटेंशियल बढ़ता था क्योंकि सीरीज के अंदर है, इसलिए हमने वहां शुरुआत पोटेंशियल से करी थी। अब यहाँ पर हमारा, क्योंकि पैरेलल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम किससे शुरुआत करेंगे, करंट से। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये दो सेल है, एक सेल आपका ये हो जाता है और एक सेल आपका ये हो जाता है, जिसका हमारे पास ईएमएफ है ई वन और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर टू। अगेन ये सेल है जिसका ईएमएफ है ई टू और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर टू। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। मान लेते हैं ये हमारे पास टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी वन, ये वाला हम टर्मिनल दे देते हैं बी टू, एंड ये वाला टर्मिनल है हमारे पास सी। अब करंट हमारा इस पॉजिटिव से फ्लो करेगा, दैट इज आई वन, और ये वाला हमारे पास करंट हो जाता है आई टू। नाउ अब हमारे पास वही चीज हम अप्लाई करेंगे कि एज वी नो दैट कि V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। अब हमें क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए क्योंकि हम करंट को लेके चलना है इसको प्रूफ करने के लिए। तो पहले हम पहले सेल के लिए लगा देते हैं फोर फर्स्ट सेल, तब उस केस में हमारे पास जो V1 हो जाएगा, V जो हो जाएगा दैट इज वी वी वन वी टू, वो क्या हो जाएगा E1 माइनस आई आर वन। सिमिलरली फोर सेकेंड सेल V1 V2, देखिए दोनों सेल्स के लिए टर्मिनल हमारे पास V1 और V2 ही रहेंगे, इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 के बीच में ही आएगा। पहले सेल के लिए E1 माइनस आई आर वन और दूसरे सेल के लिए हो जाएगा हमारे पास E2 माइनस आई आर टू। अब देखो V1 V2 दोनों सेम है, इसलिए मैं इसको क्या है V के बराबर मान लेता हूँ, क्योंकि V1 V2 हो या V हो पर तो एक ही है। Now, अब हमें क्या करना है, हमें करंट चाहिए, हमारे पास ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा आपका I2, E1 माइनस I1 R1, क्योंकि I1 और I2 भी तो अलग अलग है। यहां से हमारे पास V सेम रहेगा क्योंकि मैंने बताया था कि सीरीज जब हम पैरेलल के अंदर लेते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है। अब यहां से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू V, यहां से हमें I1 निकालना है माइनस आई वन आर वन इज इक्वल टू वी माइनस ई वन, माइनस को उस तरफ ले लेंगे आई वन आर वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी, यहाँ से आई वन आपका हो जाएगा ई वन माइनस वी अपॉन आर वन। सिमिलरली आई टू हमारे पास क्या हो जाएगा ई टू माइनस वी ओवर में आर टू। अब हमारे पास आई वन आ गया, आई टू आ गया, हमें क्या करना है दोनों को एड कर देना है, देन I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई वन इज वॉट दैट इज ई वन माइनस वी ओवर आर वन प्लस
E2 minus V over R2। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम अलग अलग कर देंगे, क्योंकि हमें क्या फॉर्म चाहिए, हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, तभी तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये फॉर्म लाना है हमें, कैसे भी लाना है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, इसको आप अलग अलग कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू ये आपका E1 बटा R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड माइनस V अपॉन R2। अब हमें E1 E2 वाले एक तरफ करने हैं और V वाले एक तरफ करने हैं। E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R1 minus V upon R2। E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V हमने ले लिया कॉमन, 1 by R1 plus 1 by R2। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें फॉर्म तो ये लानी थी, ये फॉर्म लाने के लिए हमें V निकाल देंगे, हमारे पास ये फॉर्म आसानी से आ जाएगी। वो कैसे, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो I माइनस E1 बटा R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू माइनस V इंटू 1 by R1 प्लस 1 by R2। एलसीएम ले देंगे हम इसको और माइनस को इस तरफ ले लेंगे, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I, क्योंकि माइनस फॉर्म जब इस तरफ ले गए तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू V इंटू, इसको हम अभी ऐसे ले लेते हैं, 1 by R1 प्लस 1 by R2। अब हम ले लेंगे इनका एलसीएम, जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो R1 R2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I इज इक्वल टू V इंटू R1 R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब हमें V चाहिए सिर्फ, क्योंकि तो हमें ये वाली फॉर्म लानी है और इस वाली फॉर्म के लिए हमें एक साइड सिर्फ V चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। और जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों में डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ इन दोनों टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, और जब हमारे पास डिवाइड होगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी R1 R2 ऊपर आ जाएगा अपॉन R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, तो इसको आप ले जाएंगे इस तरफ, तो इंटो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V। R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा, हमारे पास आ गया ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I इंटो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V। हमारे पास जो है V की वैल्यू आ गई E और I का। अब V को कैसे क्या पुट करेंगे, V के हम वैल्यू क्या लेंगे, इसको हम ले लेंगे E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, क्योंकि V हो या E इक्विवेलेंट I R इक्विवेलेंट हो पहले के केस में तो सेम ही रहेगा, इसलिए हम इसको कर देंगे E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा और R इक्विवेलेंट हमारा इसके बराबर हो जाएगा, देन R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। इसको हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा, 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इसके बाद वन बाई आर इक्विवेलेंट आ गया आपका R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू में R2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे, तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2।
R1 से R1 कट जाएगा और R2 से R2 कट गया। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दैट मीन्स जब हम सेल्स को पैरेलल में भी कनेक्शन दे देते हैं तब उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस होते हैं वो बिल्कुल सेल इन सीरीज सेल इन पैरेलल उन्हीं केस से जुड़ते हैं। जब सीरीज में करते थे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था और आज हम पैरेलल में कर रहे हैं तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ये आ गया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए अब हमारे पास दो टर्म आ गई, R इक्विवेलेंट इसके आ गया और आपका जो E इक्विवेलेंट आया था वो हमारे पास इसके आ गया था। तो E इक्विवेलेंट हमारे पास आया था इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2 और जो R इक्विवेलेंट आया था वो आया था हमारे पास R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। इनको हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, 1 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 ओवर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नाउ यू कैन सी R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कट जाएगा, हमारे पास E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू में R2। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे वापस उसी तरह से, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। R1 से R1 कट गया और R2 से R2 कट गया। E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2। दैट मींस व्हाट, अगर हम E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को आपस में डिवाइड करते हैं तो उनके EMF इस तरह से ही डिवाइड हो जाएंगे और इस तरह से हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और EMF भी निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है, कृपया प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और जितना हो सके हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।